सो हेलो स्टूडेंट, हम एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसने हमने फर्स्ट पार्ट लिया है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो एल्डिहाइड कीटोन में लास्ट क्लास में हमने देखा कि एडिशन केमिकल प्रॉपर्टीज, और केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने देखा कि एडिशन ऑफ HCN जो साइनोहाइड्रिन बनाता है, एडिशन ऑफ NHSO3 जो सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फाइट एसिड का एडिशन प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है, और एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हमें डिफरेंट अल्कोहल्स मिलते हैं। जैसे फॉर्मल्डिहाइड यूज़ किया तो प्राइमरी अल्कोहल, अदर एल्डिहाइड यूज़ किया तो सेकेंडरी अल्कोहल, और कीटोन्स यूज़ किया तो हमें टर्शियरी अल्कोहल मिलते हैं। आज हम एल्डिहाइड और कीटोन्स में केमिकल रिएक्शन में देखेंगे रिडक्शन रिएक्शन। क्या देखेंगे? सेकंड पार्ट। पहला एडिशन पार्ट देखा, सेकंड पार्ट रिडक्शन। रिडक्शन सेकंड पार्ट देखेंगे हम रिडक्शन। तो सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे फर्स्ट रिडक्शन टू अल्कोहल, रिडक्शन टू अल्कोहल्स। ओके, रिडक्शन टू अल्कोहल्स। तो यहाँ पर क्या होता है, तो डिफरेंट जो रिएजेंट्स है, डिफरेंट रिएजेंट है, वो क्या करते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को अल्कोहल्स में कन्वर्ट करते हैं। तो रिएजेंट्स है, नंबर वन है कैटालिटिक रिडक्शन, नंबर वन में कैटालिटिक रिडक्शन। नंबर टू NaHg सोडियम अमलगम विथ वाटर H2O, ठीक है, NaHg विथ H2O, ठीक है, ये भी एल्डिहाइड और कीटोन को अल्कोहल में रिड्यूस करता है। और तीसरा और इम्पोर्टेंट रिएजेंट है एक NaBH4, ठीक है, एंड LiAlH4, NaBH4 एंड LiAlH4, NaBH4 एंड LiAlH4 कैटालिटिक रिडक्शन एंड रिडक्शन विथ सोडियम अमलगम एंड वाटर। सो दीज आर द रिड्यूसिंग एजेंट विच रिड्यूस द एल्डिहाइड एंड कीटोन्स टू करस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स। ओके, तो इसमें हम एग्जाम्पल्स लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल एसिटाल्डिहाइड C(OH). एसिटाल्डिहाइड व्हेन रिड्यूस विथ H2 इन प्रेजेंस ऑफ रेनिनिकेल, H2 इन प्रेजेंस ऑफ रेनिनिकेल। ओके, व्हेन एसिटाल्डिहाइड इज रिड्यूस विथ रेनिनिकेल, हाइड्रोजन गैस व्हेन पासेस ओवर द एसिटाल्डिहाइड, सो द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस अक्रॉस द कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस अक्रॉस द कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, एंड वन हाइड्रोजन इज एडेड टू कार्बन एंड अदर इज एडेड टू ऑक्सीजन, सो डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड, सो वी गेट CH इज एडेड हियर, सो दिस इज द H, एंड ऑक्सीजन सेकेंड हाइड्रोजन इज एडेड टू ऑक्सीजन। तो दूसरा हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के पास जाता है, एक हाइड्रोजन कार्बन के पास जाता है, और इन दिस वे वी गेट द प्राइमरी अल्कोहल जिसका नाम है इथेनॉल। ओके, प्राइमरी अल्कोहल मिलता है इथेनॉल। क्या मिलता है? इथेनॉल। सेकंड रिएक्शन हमने अगर एसीटोन की रिएक्शन की, CH3 C(OH)CH3। ओके, सो एसीटोन की रिएक्शन में, एसीटोन में हमने हाइड्रोजन की एडिशन की इन प्रेजेंस ऑफ रेनिनिकेल, तो क्या होगा? सो H2 इज एडेड अक्रॉस कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, एंड कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड, तो H इज एडेड टू दिस कार्बन, और दूसरा H इस ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा, और कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट होगा? कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड में। तो प्रोडक्ट बनेगा CH3CH, मैं OH नीचे लिखता हूँ, यहाँ पे CH3। ओके, समझा बच्चों? तो क्या हो रहा है यहाँ पे? कार्बन
ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो रहा है कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड में ड्यू टू द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. सो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन. तो रिडक्शन इज टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ रनी लीकेज एंड दिस रिडक्शन इज नोन एज कैटेलिटिक रिडक्शन. ओके क्लियर है. नेक्स्ट ये फर्स्ट हो गया. सेकंड NaGHCl NaGH2O. तो सोडियम अमलगम, सोडियम अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ वाटर क्या करता है, इसको रिड्यूस करता है. किसको रिड्यूस करता है, कार्बोनिल कंपाउंड्स को. तो CH3 C डबल बॉन्ड O H. तो यहाँ पे हमें नेसेंट हाइड्रोजन मिलते हैं. तो नेसेंट हाइड्रोजन कैसे मिलते हैं, जब NaHG हम वाटर में ऐड करते हैं, ठीक है, NaHG सोडियम अमलगम जब हम वाटर में ऐड करते हैं तो ये जो हाइड्रोजन है ये क्या करता है, इसका ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, ये मेटल का ऑक्सीडेशन होता है और ये क्या फॉर्म करते हैं, हाइड्रोजन रिलीज करते हैं. दैट नेसेंट हाइड्रोजन एडेड अक्रॉस, या फिर दिस नेसेंट हाइड्रोजन रिड्यूस द कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और कन्वर्ट सेम रिएक्शन कन्वर्ट दिस इंटू अल्कोहल. तो यहाँ पे हमने एक बात नोट की कि एल्डिहाइड का रिडक्शन होता है तो प्राइमरी अल्कोहल बनता है, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल इथेनॉल, और कीटोन का रिडक्शन होता है तो सेकेंडरी अल्कोहल बनता है. यहाँ पर भी सेम रिएक्शन होगी, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, 2H 2H कहाँ से मिले आपको पता ही हो गया अभी, NaHG और H2O, ठीक है. तो यहाँ पे सेम रिएक्शन हो रही है, CH3 CH एक H कार्बन के ऊपर, एक H ऑक्सीजन के ऊपर, और ये CH3. तो यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है, इसका नाम है प्रोपेन टू ऑल. क्या नाम है इसका, प्रोपेन टू ऑल. सो इन दिस वे प्राइमरी अल्कोहल फॉर्म होता है एल्डिहाइड से, और सेकेंडरी अल्कोहल जो फॉर्म होता है वो कीटोन से फॉर्म होता है, ठीक है बच्चों. और इसको ऐसे रखा तो काम हो जाएगा. नेक्स्ट NaVH4 एंड LiLH4. सो नेक्स्ट एजेंट इज NaBH4 एंड LiAlH4. सो दीज रिएजेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट. दीज रिएजेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट. दिस कन्वर्ट कार्बोनिल कंपाउंड दैट इज एल्डिहाइड एंड कीटोन्स टू अल्कोहल्स. ओके सो इट ऑल्सो रिड्यूस द, हमने अल्कोहल चैप्टर में पढ़ा है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में क्या है उसमें कि NaBH4 इट इज़ द माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट. NaBH4 क्या है, NaBH4 इज माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट. NaBH4 इज माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट और LiLH4 इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. ओके तो यहाँ पर क्या होता है, NaBH4 ये काम सेम ही करता है जैसे ये रिएक्शन है. यहाँ पे देखिए, अगर हमने यहाँ पर NaBH4 यूज़ किया तो ये एसिटाल्डिहाइड को इथेनॉल में कन्वर्ट कर देगा, कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट किया. सेम वर्क करता है LiLH4, सेम वर्क करता है LiLH4, वो भी एल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल में और कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा. कौन, NaBH4 और LiLH4. लेकिन
इनकी कुछ स्पेशलिटी है, LiAl(H4) की स्पेशलिटी है, देखते हैं क्या स्पेशलिटी है। तो इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने एग्जांपल लिया कि CH3CH डबल बॉन्ड CH और C डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड है, ठीक है। इसमें क्या है, अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेशन है, क्या है, अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेशन। इसमें हमने अगर NaBH4 यूज़ किया और फर्स्ट स्टेप में NaBH4 यूज़ करेंगे, सेकंड स्टेप में इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, ठीक है, सेकंड स्टेप में इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो ये क्या कर देगा, ये दोनों को रिड्यूस कर देगा, दोनों को यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देगा और कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देगा। क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3H हाइड्रोजन इज एडेड अक्रॉस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड हाइड्रोजन आल्सो एडेड अक्रॉस कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे CH2 बन जाएगा, ओके। यानी जो अनसेचुरेशन है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो भी रिड्यूस होगा। लेकिन हमने यही रिएक्शन किसको लेके की, LiAl(H4) को लेके की, इसको LiAl(H4) को लेकर की, तो ये क्या करेगा, सिलेक्टिवली किसको रिड्यूस करेगा, सिलेक्टिवली कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को ही रिड्यूस करेगा और इधर बनेगा ओनली अल्कोहल, ओके। तो ये स्पेशलिटी है किसकी, LiAl(H4) की। तो इसलिए LiAl(H4) जो है वो ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अगर हम इसकी कॉस्ट की बात करें तो NaBH4 जो है, NaBH4 इज अ चीपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके। NaBH4 क्या है, चीपर है कॉस्ट के बारे में अगर देखा जाए तो, और इट कैन यूज़ इन एनी सॉल्वेंट, यानी हम अल्कोहल सॉल्वेंट में भी यूज़ कर सकते हैं या फिर इसको वाटर में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन LiAl(H4) क्या है, LiAl(H4) इज़ कॉस्टली, क्या है, कॉस्टली है, और ये हम अल्कोहल में यूज़ नहीं कर सकते। अल्कोहल और वाटर के साथ इसका 36 का आंकड़ा है, किसका, LiAl(H4) का। अल्कोहल और वाटर में अगर LiAl(H4) लिया तो एक्सप्लोजन होने के, विगरस रिएक्शन होती है, एक्सप्लोजन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए हम इसको ईथर में या फिर THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, ये भी एक ईथर का टाइप है और ड्राई ईथर में हम इसको यूज़ करते हैं, ओके। सो व्हाट इज सिलेक्टिविटी ऑफ LiAl(H4), तो LiAl(H4) सिलेक्टिवली कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को रिड्यूस करता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है। इसलिए हमेशा जब लेते वक्त क्या ज़्यादा यूज़ किया जाता है, LiAl(H4) को ही यूज़ किया जाता है, एज इट इज़ कॉस्टली बट इट इज़ वेरी रिएक्टिव रिएजेंट एंड विच आर यूज फॉर द रिडक्शन ऑफ डिफरेंट कंपाउंड, ओके। सो दिस आर द 4 रिड्यूसिंग एजेंट विच कन्वर्ट द एल्डिहाइड एंड कीटोन्स टू करस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स। तो एल्डिहाइड का प्राइमरी अल्कोहल बनेगा और कीटोन का, देखो एल्डिहाइड का क्या बनेगा, एल्डिहाइड का प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है, एल्डिहाइड का प्राइमरी अल्कोहल और कीटोन का बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल, कीटोन का क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल। यहाँ पर भी देखो एल्डिहाइड का प्राइमरी अल्कोहल और कीटोन का सेकेंडरी अल्कोहल, 2° अल्कोहल बन जाएगा, ओके, क्लियर है। नेक्स्ट इज रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स। फर्स्ट हमने देखा कि रिडक्शन टू अल्कोहल, सेकंड हम देखेंगे रिडक्शन टू, सेकंड पार्ट यानी बी पार्ट, रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स, ओके। तो यहाँ पर जो रिएजेंट है, यहाँ पर दो रिएजेंट है, एक है क्लेमेंसन, एक क्या है, क्लेमेंसन रिडक्शन और दूसरा है उल्फ किशनर, दूसरा कौन है,
उल्फ किशनर। एक है क्लेमेंसन, दूसरा है उल्फ किशनर रिडक्शन। ठीक है, तो क्लेमेंसन का जो रिएजेंट वो है ZnHg विथ कॉन्सेंट्रेटेड HCl। HCl कौन सा है? कॉन्सेंट्रेटेड है। और उल्फ किशनर का जो रिएजेंट है वो कौन सा है? हाइड्रेजिन। क्या है? हाइड्रेजिन, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 हाइड्रेजिन विथ अल्कलाइन KOH एंड इथिलीन ग्लाइकॉल। इथिलीन ग्लाइकॉल, ओके। सो दिस इज क्लेमेंसन रिएजेंट ZnHgHCl। सो ZnHgHCl इज द क्लेमेंसन रिएजेंट, ओके। ZnHgHCl इज क्लेमेंसन रिएजेंट विच कन्वर्ट कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड टू CH2, ओके। और दूसरा NH2 हाइड्रोजन और विथ अल्कोहलिक KOH इन एथिलीन ग्लाइकॉल। सो दिस रिएजेंट इज नोन एज उल्फ किशनर रिएजेंट एंड रिडक्शन इज नोन एज उल्फ किशनर रिडक्शन। तो ये क्या करता है? तो ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जो है ना, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड यानी कार्बोनिल, ये एल्डिहाइड में भी प्रेजेंट रहता है और कीटोन को भी प्रेजेंट रहता है। तो ये इसको कन्वर्ट करता है किसमें? कार्बन हाइड्रोजन यानी कार्बोनिल को, किसको? कार्बोनिल को किसमें कन्वर्ट करता है? CH2 में। कौन? ये ZnHg HCl। और दूसरा भी वही काम करता है, ठीक है। उल्फ किशनर और क्लेमेंसन, उल्फ किशनर और क्लेमेंसन क्या करता है? ZnHgHCl को किसमें? कार्बोनिल को, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को CH2 में कन्वर्ट करता है। यानी हमें कार्बोनिल से क्या बनेगा? हाइड्रोकार्बन बनेगा। क्लियर है बच्चों? ओके। तो इसमें नेक्स्ट देखते हैं, रिएक्शन देखते हैं इसकी। सपोज हमने एल्डिहाइड यूज़ किया, R C डबल बॉन्ड O H, तो क्या होगा? कितने हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे? यहाँ पे 4 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, 4 नेसेंट हाइड्रोजन। ये किससे मिलेंगे हमको? ये हमें मिलेंगे ZnHg और कॉन्सेंट्रेटेड HCl से मिलेंगे, ठीक है। ZnHg और कॉन्सेंट्रेटेड HCl से मिलेंगे। तो ये क्या करेगा? इसको CO को CH2 में कन्वर्ट करेगा, CO को CH2 में कन्वर्ट करेगा। तो R CH2 और AHCH3 यानी ये हाइड्रोकार्बन बनेगा अल्केन। ये एल्डिहाइड है, ठीक है। यहाँ पर एल्डिहाइड का क्या बन गया? एल्डिहाइड का बन गया हाइड्रोकार्बन, अल्केन बन गया। प्लस दो हाइड्रोजन यहाँ पे आ गए, ठीक है। 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन कार्बन को आ गए, 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जाएंगे और क्या बाय प्रोडक्ट रहेगा? वाटर, वाटर बाय प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, प्लस 4H, ओके, विथ ZnHg एंड HCl, विथ ZnHg HCl। तो ये क्या करेगा? कार्बोनिल को CH2 में, CO को CH2 में कन्वर्ट करेगा। तो हमें प्रोडक्ट बन जाएगा ये 2H और H, 3H ने CH3, इथेन बनेगा। क्या बनेगा? इथेन। किसका? एसिटाल्डिहाइड का इथेन, प्लस बाय प्रोडक्ट रहेगा H2O, ओके। सो दिस इज द क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, ओके। ये हो गया क्लेमेंसन। अभी उल्फ किशनर क्या होता है वो देख लेते हैं। ये कौन सा हो गया? क्लेमेंसन, क्लेमेंसन रिडक्शन, ओके। तो ये हमने जो ऊपर देखा ये क्या है? क्लेमेंसन रिडक्शन है। नेक्स्ट हम देखेंगे उल्फ किशनर। उल्फ किशनर रिडक्शन,
तो ओल्फिनर रिडक्शन, उसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन से है? तो यहाँ पर सपोज हमने कीटोन लिया, यहाँ पर मैं कीटोन का एग्जांपल लेता हूँ, सी डबल बॉन्ड ओ इधर CH3। ओके, तो कीटोन का रिएक्शन किसके साथ होगा? पहले तो कीटोन का रिएक्शन H2NH2, इसका नाम क्या है? हाइड्राजिन। तो हाइड्राजिन के साथ ये कार्बोनिल कंपाउंड कीटोन का रिडक्शन होगा, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये निकल जाएंगे, यानी माइनस H2O हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस H2O। तो माइनस H2O होने के बाद क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो यहाँ पर इसका हाइड्राजिन से रिएक्शन होने के बाद हाइड्राजोन बनेगा। क्या बनेगा? हाइड्राजोन, कार्बन डबल बॉन्ड N NH2। तो क्या बन गया इधर? हाइड्राजोन। किसका? कीटोन का। क्या बन गया? कीटोन हाइड्राजोन बन गया। ओके, तो ये हाइड्राजोन किसके साथ रिएक्ट होएगा? ये हाइड्राजोन रिएक्ट करेगा, ठीक है, इसका रिएक्शन देख लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड N NH2। ओके, तो इसका रिएक्शन होगा फर्स्ट KOH विथ इथिलीन ग्लाइकॉल। ओके, KOH विथ इथिलीन ग्लाइकॉल, और ये किस में कन्वर्ट करेगा इसको? ये इधर दो हाइड्रोजन आ जाएंगे, ठीक है, दो हाइड्रोजन, और इधर से N2 निकल जाएगा। यानी ये इनके प्रेजेंस में ये जो हाइड्रोजन है, ये दोनों हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाएंगे कार्बन के ऊपर, और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होके N2 रिलीज हो जाएगा। तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा CH3, कार्बन का हो जाएगा CH2 और CH3। क्या बचा फिर? H2 निकल गया, तो ये N2 बचा। क्या बचा? N2। तो N2 मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो जाएगा, N2 मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा, और हमें क्या मिलेगा? प्रोपेन प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? प्रोपेन। ओके, समझ में आया क्या होता है? तो क्लेमेंसन में देखो क्या हो रहा है, क्लेमेंसन में क्या हो रहा है, क्लेमेंसन क्या कर रहा है? ZnHg और कॉन्सेंट्रेटेड HCl, फोर हाइड्रोजन, ठीक है, फोर हाइड्रोजन यहाँ से प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि यहाँ पे हम फोर HCl लेंगे, तो फोर HCl लेंगे तो फोर क्या होगा? फोर हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज हो जाएंगे, और फोर हाइड्रोजन यहाँ इस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, दो हाइड्रोजन कार्बन के ऊपर जाएंगे, दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जाएंगे, यानी हमें इस एक तरफ अल्केन और एक तरफ H2 मिल जाएगा। ओके, क्लियर है? फिर एसिटाल्डिहाइड का एग्जांपल सेम वे, तो यहाँ पर टू हाइड्रोजन आ जाएंगे, टू हाइड्रोजन वाटर ऑक्सीजन के साथ जाएंगे, H2O इथेन और H2O। अगर हमने यहाँ पर एसीटोन लिया तो सेम रिएक्शन होगा, प्रोपेन मिलेगा, जैसे यहाँ पर रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पर यहाँ इनिशियल रिएक्टेंट टू अगर हम फाइनल प्रोडक्ट देखें तो क्या हो रहा है? तो ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट होगा? कार्बन H2 यानी CH2 में कन्वर्ट है। CO किस में कन्वर्ट हो रहा है? CH2 में। सेम फंक्शन है, इसलिए मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिया एल्डिहाइड का, दूसरा कीटोन का इसमें लिया, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे रिडक्शन ऑफ कीटोन्स बाय मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्या है? रिडक्शन ऑफ कीटोन्स यानी तीसरा मेथड, रिडक्शन ऑफ कीटोन्स बाय मैग्नीशियम, ठीक है, रिडक्शन ऑफ कीटोन बाय मैग्नीशियम। तो कीटोन में जब मैग्नीशियम का रिएक्शन होता है, कीटोन के साथ जब मैग्नीशियम का रिएक्शन होता है, तो इस रिएक्शन से हमें क्या मिलता है? पिनाकोल नाम का प्रोडक्ट मिलता है। क्या मिलता है? पिनाकोल, देख लेते हैं, ठीक है। तो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन CH3 ओके डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक एसीटोन मॉलिक्यूल है, दूसरा एक एसीटोन मॉलिक्यूल लेते हैं CH3
CH3 डबल बॉन्ड O, सो टू एसीटोन मॉलिक्यूल, क्या लिए हमने, टू एसीटोन मॉलिक्यूल, और टू एसीटोन मॉलिक्यूल मैग्नीशियम से रिएक्ट करेंगे, ठीक है। मैग्नीशियम तो इसमें सॉल्वेंट जो यूज़ होगा वो बेंजीन सॉल्वेंट यूज़ होता है, क्या यूज़ होता है, बेंजीन सॉल्वेंट यूज़ होता है। तो टू एसीटोन मॉलिक्यूल रिएक्ट्स विथ मैग्नीशियम, अभी हमें पता है कि मैग्नीशियम की जो वैलेंसी रहती है वो टू रहती है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये होमोलिटिकल क्लीव हो जाएगा दोनों बॉन्ड, और ऑक्सीजन मैग्नीशियम से कनेक्ट होंगे, ऑक्सीजन मैग्नीशियम से कनेक्ट होंगे, ठीक है, ऑक्सीजन मैग्नीशियम से कनेक्ट हो रहे हैं, और यहाँ पर ये कार्बन फ्री रेडिकल फॉर्म होगा, तो ये कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, तो हमें इधर एक एडिशन कॉम्प्लेक्स मिलेगा, एक क्या मिल जाएगा, एडिशन कॉम्प्लेक्स CH3, ओके, कार्बन कार्बन से लिंक होगा यहाँ पर CH3 और यहाँ पर भी CH3, तो इधर कनेक्ट हो जाएगा मैग्नीशियम, तो ये एक टाइप का यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है। फिर इस कॉम्प्लेक्स का हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे, इस कॉम्प्लेक्स का हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस, एक तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं या फिर सिंपल हाइड्रोलिसिस भी कर सकते हैं, डाइल्यूट HCl लेके हम इसका क्या कर देंगे, हाइड्रोलिसिस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, तो हाइड्रोलिसिस करने के बाद यहाँ पर तो हमने ऑक्सीजन लिखना भूल गए क्या, यहाँ पर ऑक्सीजन है, ठीक है, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, जो H है, H पॉजिटिव कहाँ पर जाएगा, H पॉजिटिव ऑक्सीजन पर जाएगा, दूसरा H पॉजिटिव ऑक्सीजन पर जाएगा, और दोनों Cl मैग्नीशियम के ऊपर जाएंगे, दोनों Cl मैग्नीशियम के ऊपर जाएंगे, और हमें जो प्रोडक्ट मिला वो क्या रहेगा, मैं CH3 इधर ऊपर लिखता हूँ, ठीक है, वो नीचे, फिर CH3 और इधर O, देखो क्या हो रहा है, ये जो H है, H कहाँ पे जा रहा है, ऑक्सीजन के ऊपर, H कहाँ पे जा रहा है, ऑक्सीजन के ऊपर, और दो Cl है, दो Cl कहाँ पे जाएंगे, मैग्नीशियम के साथ, तो ये बनेगा, ये क्या बन जाएगा, MgCl2 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, MgCl2, सो दिस इज़ नोन एज पिनाकोल, क्या बोलते हैं इसको, पिनाकोल, इसको बोलते हैं पिनाकोल, और इसका हम अगर रिएक्शन देखें तो इसका नाम अगर देखें IUPAC रूल के हिसाब से तो नंबरिंग 1, 2, 3, 4, ठीक है, 1, 2, 3, 4, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, IUPAC ने 1, 2, 3, 4 कर दिया, ठीक है, 2, 3 डाइमिथाइल, 2, 3 डाइमिथाइल, ओके, 2, 3 डाइमिथाइल, 4 कार्बन है, ब्यूटेन, ओके, ब्यूटेन, 2, 3 क्या बन जाएगा, डाई ऑल, ओके, क्लियर है, तो ये रिएक्शन देख लो एक बार, ठीक है, क्या हो रहा है कि टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन कंबाइन विथ मैग्नीशियम, ठीक है, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन कंबाइन विथ मैग्नीशियम, तो कार्बन ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है और ऑक्सीजन मैग्नीशियम में बॉन्ड फॉर्म हो जाता है और एक बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में फॉर्म हो जाता है, तो ये एक कॉम्प्लेक्स बनता है, इस कॉम्प्लेक्स जो रहता है वो ऑलवेज अनस्टेबल रहता है, इसका हम क्या करेंगे, डाइल्यूट HCl से हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो ऑक्सीजन पर, दोनों ऑक्सीजन पर एक एक हाइड्रोजन जाएगा, और मैग्नीशियम के साथ दो Cl, तो MgCl2, इन दिस वे वी गेट द पिनाकोल एज अ मेन प्रोडक्ट, ओके। देख लो एक बार रिएक्शन अच्छे से,
ठीक है, रिएक्शन एक बार अच्छे से देख लो। ये हो गया कीटोन्स टू पिनाकोल बाय मैग्नीशियम, समझ में आया। ये हो गया रिडक्शन, किसका रिडक्शन, ये रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स टू करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स, जेड एन एच जी एच सी एल कॉन्सनट्रेटेड, जेड एन एच जी एंड कॉन्सनट्रेटेड एच सी एल, ये क्या करता है, एल्डिहाइड को हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करता है, यानी एल्डिहाइड से अल्केन बनेगा, कीटोन से भी अल्केन बनेगा, क्लेमेंसन, इसको बोलते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन, क्लेमेंसन रिड्यूसिंग एजेंट। और दूसरा ओल्किशनर, ओल्किशनर का भी फंक्शन सेम है बट रिएजेंट है, क्या है रिएजेंट, हाइड्रेजिन विथ एक्वस KOH इन इथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है, समझ में आया बच्चों, ओके। इसके पहले हम क्या देखा, इसके पहले हमने रिएक्शन देखी क्या रिएक्शन देखी, देखो रिडक्शन टू अल्कोहल्स में हम क्या देख रहे हैं, रिडक्शन टू अल्कोहल्स तीन टाइप के रिएजेंट है, कैटालिटिक रिडक्शन, NaGH2O, NaBH4 एंड LiLH4, ये चार रिड्यूसिंग एजेंट है, ये सीधा सीधा एल्डिहाइड को किसी भी अल्कोहल में या कीटोन को किसी भी अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। एल्डिहाइड का प्राइमरी अल्कोहल बनेगा और कीटोन का क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, सेम वर्क है। रैनिनिकेल जो है हाइड्रोजन गैस के साथ यूज होता है, NaGH2O ये नेसेंट हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है, और LiAlH4 जो है LiAlH4 एंड NaBH4 ये भी हाइड्राइड डोनर है, ये हाइड्राइड डोनेट करते हैं और सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस करते हैं। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, एक सेकंड स्टेप में एसिडिक हाइड्रोलिसिस क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स टू अल्कोहल्स एंड हाइड्रोकार्बन्स, ओके। रिडक्शन हमने दो टाइप का देखा, एक रिडक्शन टू अल्कोहल, दूसरा रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स, किसका, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का। तो नेक्स्ट हम रिएक्शन देखते हैं, ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। ऑक्सीडेशन नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ऑफ एल्डिहाइड। तो नॉर्मल कंडीशन पे एल्डिहाइड ही ऑक्सीडाइज होगा, नॉर्मल कंडीशन पे कौन, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा, कीटोन नॉर्मल कंडीशन पे ऑक्सीडाइज नहीं होता है, क्योंकि कीटोन में क्या रहता है, एल्डिहाइड में RC OH ये एल्डिहाइड है, और कीटोन में क्या रहता है, RC OR-, तो कीटोन में इधर कार्बन कार्बन बॉन्ड रहता है, एल्डिहाइड में एक कार्बन और एक हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है, तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो रहता है वो क्या रहता है, वीक रहता है, वो इजीली ब्रेक हो सकता है, लेकिन ये कीटोन में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो इजीली ब्रेक नहीं होता, इसलिए ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल इजीली होगा, कीटोन को ऑक्सीडेशन इजीली नहीं होगा, ओके। सो एल्डिहाइड्स आर इजीली ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड, तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड टू हम बोल सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड, तो एल्डिहाइड इजीली ऑक्सीडाइज होगा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो रहते हैं वो क्या रहते हैं, बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जैसे एसिडिफाइड K2Cr2O7 या फिर एसिडिफाइड KMnO4 और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट HNO3, और हम यूज़ कर सकते CrO3। ये सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, ये सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट करते हैं, एल्डिहाइड को
करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं, CH3C(OH) प्लस ऑक्सीजन कितने प्रोड्यूस किए, तो हम लिखेंगे एसिडिफाइड K2Cr2O7। ये क्या कर देगा, CH3CHO का कन्वर्शन CH3C(OH) में कन्वर्ट कर देगा, यानी एसीटल्डिहाइड का क्या बन गया, एसीटल्डिहाइड इज कन्वर्टेड इनटू एसिटिक एसिड। एसीटल्डिहाइड इज कन्वर्टेड इनटू एसिटिक एसिड। दूसरा हम एग्जांपल ले सकते हैं, CH3CH2C(OH), इसका भी ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ पर लेते हैं हम डाइल्यूट HNO3, ठीक है, डाइल्यूट HNO3 लिया, तो ये भी वही काम करेगा, CH3CH2C(OH), ये क्या है, प्रोपैनल, क्या है, प्रोपैनल, IUPAC नेम है इसका, प्रोपैनल कन्वर्टेड इनटू प्रोपैनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो सेम वर्क है, ये जो एसिडिफाइड K2Cr2O7 है या फिर KMnO4 है या फिर डाइल्यूट HNO3 है, CrO3, इनका वर्क सेम है, ये क्या करते हैं, एल्डिहाइड को करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। तो हम एल्डिहाइड जो है उसकी एक प्रॉपर्टी देख लेते हैं आज के क्लास में, ठीक है, एल्डिहाइड की जो प्रॉपर्टीज देखते हैं और उसके बाद आज का सेशन हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो एल्डिहाइड जो है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किया जाता है, ठीक है, एल्डिहाइड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किया जाता है। सो एल्डिहाइड एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये अगर रिड्यूसिंग एजेंट है तो खुद का इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, एल्डिहाइड एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। देखो एल्डिहाइड ही रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, कीटोन क्यों नहीं, तो अभी हमने ऊपर में रिएक्शन देखी कि एल्डिहाइड खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, एल्डिहाइड क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी ये खुद अगर ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरों को क्या करेगा, दूसरों को ऑब्वियसली के रिड्यूस करेगा, ठीक है ना। एल्डिहाइड जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो इट मीन्स ये दूसरों को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, दिस देयरफॉर एल्डिहाइड कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये कौन कौन से कंडीशन में रिड्यूसिंग यानी दूसरों का क्या करता है, रिडक्शन करता है, तो किस किस का रिडक्शन करता है, तो एक है फेलिंग सॉल्यूशन के साथ, ठीक है, फेलिंग सॉल्यूशन। तो फेलिंग सॉल्यूशन क्या रहता है, ये फेलिंग सॉल्यूशन जो रहता है ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन रहता है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन क्या, कौन से कलर का रहता है, ब्लू सॉल्यूशन रहता है, ठीक है, ब्लू सॉल्यूशन किसके वजह से रहता है, ब्लू सॉल्यूशन इसमें क्या रहता है, कॉपर सल्फेट और फेलिंग सॉल्यूशन ऑफ CuSO4, एक पार्ट रहता है इसमें CuSO4, एक पार्ट रहता है CuSO4 और दूसरा पार्ट रहता है इसमें टार्टरिक एसिड, पोटेशियम टार्टरेट, सोडियम और पोटेशियम टार्टरेट, क्या रहता है, पोटेशियम टार्टरेट रहता है, पोटेशियम टार्टरेट रहता है। सो पोटेशियम टार्टरेट होता है। इस सॉल्ट को हम बोलते हैं, दिस मिक्सचर इज नोन एज रोचिल सॉल्ट, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, रोचिली सॉल्ट। ओके, तो ये रोचिल सॉल्ट जो रहता है, तो कॉपर सल्फेट और पोटेशियम टार्टरेट, तो पोटेशियम टार्टरेट को क्या बोलते हैं, रोचिल सॉल्ट। तो इसमें दो पार्ट रहते हैं, ये ए पार्ट और ये बी पार्ट, सोडियम और पोटेशियम टार्टरेट जिसको हम बोलते हैं रोचिल सॉल्ट। तो ये किसके साथ रिएक्ट करता है,
ये एल्डिहाइड के साथ रहता है, यानी इसके साथ एल्डिहाइड रिएक्ट करता है। अगर कीटोन लिया तो वो इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, इसलिए हम बोलते हैं कि एल्डिहाइड जो है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करता है, कीटोन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क नहीं करता है। तो इसमें जो एल्डिहाइड है CH3CH OO, ये किसके साथ? कॉपर के साथ रिएक्ट होगा, टॉइस Cu2+ समझा ना, कहाँ से है? 2+ आया है कॉपर सल्फेट से, किससे आया? कॉपर सल्फेट से, प्लस 5OH माइनस। ये 5OH माइनस कहाँ से आता है? ये आया है कॉपर सल्फेट से और ये आया है रोचिल सॉल्ट से, समझ में? ओके, फिर इसको हमने थोड़ा हीट कर दिया, इसको क्या कर दिया? हीट कर दिया, तो ये बना लेगा कार्बोक्सिलेट CH3CO-, खुद का इसका ऑक्सीडेशन होगा और ये कॉपर को रिड्यूस कर देगा, किसमें? कॉपर को Cu2O या Cu2O। तो यहाँ पर कॉपर जो +2 है, यहाँ पे किस में आ गए? वो +1 में आ गया। ओके, ये +1 में आ गए और प्लस क्या? 3H2O वाटर बन जाएगा। ओके, तो ये इसने कॉपर को क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया और खुद क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया। इसने कॉपर को क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया और खुद ऑक्सीडाइज हो गया। दैट्स व्हाई एल्डिहाइड इज एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट इन फिलिंग सॉल्यूशन। तो ये ब्लू सॉल्यूशन इज कन्वर्टेड इनटू रेड प्रेसिपिटेट। ये रेड PPT रहता है, रेड प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन को क्या करता है? रेड कलर का क्यूप्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। रेड कलर का ये क्यूप्रस ऑक्साइड है, क्यूप्रस ऑक्साइड में इसको कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो इसने कॉपर 2+ को यानी क्यूप्रिक को क्यूप्रस में कन्वर्ट किया, यानी +2 को +1 में कन्वर्ट किया और खुद क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया। देयरफॉर हम बोलते हैं कि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड आर यूज एज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। दूसरा विथ टोलन्स रिएजेंट, ठीक है। ये हो गया फिलिंग सॉल्यूशन, ये क्या हो गया? ये हो गया फिलिंग सॉल्यूशन। अभी टोलन्स रिएजेंट हम पढ़ेंगे, टोलन्स रिएजेंट। तो टोलन्स रिएजेंट क्या है? टोलन्स रिएजेंट है सिल्वर सॉल्ट ऑफ, यानी ये मिक्सचर ऑफ AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सिल्वर सॉल्ट ऑफ अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है NH3 प्लस H2O क्या बनता है इसका? NH4OH, क्या बनता है इसका? NH4OH। और इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया, यानी सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड इनको हमने कंबाइन कर दिया, तो इससे हमें क्या बनता है? इससे हमें मिलता है सॉल्ट, यानी कॉम्प्लेक्स बनता है, सिल्वर अमाइन कॉम्प्लेक्स। तो सिल्वर अमाइन कॉम्प्लेक्स ये जो है, ये इसको बोलेंगे हम टोलन्स रिएजेंट। तो द सॉल्यूशन ऑफ या फिर कंपाउंड्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज नोन एज टोलन्स रिएजेंट। तो टोलन्स रिएजेंट जो है ये किसका? CH3C OH एल्डिहाइड का क्या करेंगे टोलन्स रिएजेंट? ये एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे। कैसे देखते हैं, ये सिल्वर AgNH3 by 2। तो सिल्वर के ऊपर कौन सा चार्ज रहता है? +1 चार्ज रहता है, तो ये कॉम्प्लेक्स बन गया और +3OH-। ओके, तो इसको अगर हमने हीट भी नहीं करना पड़ता है, ठीक है, तो इससे सेम प्रोडक्ट बनेगा CH3CO-C OO, यानी एल्डिहाइड का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया और प्लस क्या बनता है? टॉइस एजी यानी सिल्वर Ag+ का कन्वर्शन Ag0 में हो गया, ठीक है। यानी सिल्वर का ये +1 से ये 0 में आ गया,
सिल्वर का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, और एल्डिहाइड का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। प्लस टॉइस H2O प्लस अमोनिया गैस इवॉल्व हो जाएगा, कितना अमोनिया, 4 अमोनिया गैस इवॉल्व हो जाएगा ऐसे, ओके। तो ये हो गया इसका ऑक्सीडेशन, किसका, टोलन्स रिएजेंट एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेगा, यानी खुद रिड्यूस होगा। तो Ag+ इज रिड्यूस टू Ag, Ag+ इज रिड्यूस टू Ag, सो दिस इज द रिएक्शन, ओके। तो यहाँ पर हमें सिल्वर जो है, सिल्वर की क्या मिलती है, सिल्वर मिरर मिलता है, सिल्वर का मिरर बनता है, क्या बनता है, सिल्वर का मिरर। सॉल्यूशन में क्या मिलेगा, सिल्वर मेटल, सॉल्यूशन में क्या मिलेगा, सिल्वर मेटल मिलेगा, तो उससे उसको हम बोलते हैं सिल्वर मिरर, ओके। और एक लास्ट देख लेते हैं, लास्ट वाला पार्ट, तो लास्ट वाला पार्ट जो है वो शिफ्ट बेस है, ये क्या है, शिफ्ट बेस, शिफ्ट रिएजेंट। तो ये शिफ्ट रिएजेंट का काम क्या है, तो इसमें जब हम शिफ्ट रिएजेंट में से हम क्या करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 पास करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस हम जब किससे पास करते हैं, इस शिफ्ट रिएजेंट से पास करते हैं, शिफ्ट रिएजेंट से हम क्या करते हैं, SO2 गैस पास करते हैं। तो ये जो कलरलेस शिफ्ट रिएजेंट है ये क्या हो जाता है, ये बन जाता है मैजेंटा कलर, क्या बनता है, मैजेंटा कलर का बन जाता है, मैजेंटा कलर, मैजेंटा कलर पता है ना आपको, मैजेंटा कलर जो एकदम रेड रोज रहता है, डार्क रेड रोज। तो जब हम SO2 गैस, तो ये शिफ्ट रिएजेंट जो रहता है ये कलरलेस रहता है, ये क्या रहता है, कलरलेस रहता है। जब इस कलरलेस सॉल्यूशन में से हम क्या पास करेंगे, SO2 गैस पास करेंगे, तो एक मैजेंटा कलर का सॉल्यूशन बनता है, और वो मैजेंटा कलर का सॉल्यूशन जब हम इसके साथ रिएक्ट करेंगे शिफ्ट रिएजेंट के, तो वो मैजेंटा कलर, ठीक है। तो ये मैजेंटा कलर का सॉल्यूशन हम प्यारा रोज एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड से, ये मैजेंटा कलर फिर हम रिएक्ट करेंगे प्यारा रोज एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड। तो ये तो रिएक्शन पूछी नहीं जाएंगी, बस एक बात ध्यान में रखना है यहाँ पे कि SO2 गैस शिफ्ट रिएजेंट से पास होता है तो मैजेंटा कलर बनता है, SO2 गैस शिफ्ट रिएजेंट कलरलेस रिएजेंट से तो मैजेंटा कलर, मैजेंटा कलर और हाइड्रोक्लोराइड का कॉम्बिनेशन कर दिया तो ये कलर डिसअपियर हो जाएगा, इन दोनों का रिएक्शन कर दिया ये कलर डिसअपियर हो जाएगा। फिर हम इसमें क्या ऐड कर दिया, इसमें अगर हमने एल्डिहाइड ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया, एल्डिहाइड ऐड कर दिया, तो एल्डिहाइड ऐड करने के बाद हमें मैजेंटा कलर वापस से मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, मैजेंटा कलर वापस से मिल जाएगा, समझ में आया क्या हो रहा है। तो SO2 गैस जब शिफ्ट रिएजेंट से पास करेंगे, SO2 गैस जब शिफ्ट रिएजेंट से पास करेंगे तो एक मैजेंटा कलर का कंपाउंड फॉर्म होगा, उसको हमने पैरा रोज एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड में मिक्स कर दिया तो ये कलर डिसअपियर हो जाएगा। बट जब हम उसमें उस सॉल्यूशन में एसिड एल्डिहाइड ऐड करेंगे, एल्डिहाइड अगर ऐड करेंगे तो उसका मैजेंटा कलर रिस्टोर हो जाएगा, उसका मैजेंटा कलर क्या हो जाएगा, रिस्टोर हो जाएगा। रिएक्शन समझ में आई क्या हो रही है यहाँ पे, तो SO2 गैस शिफ्ट रिएजेंट, ये शिफ्ट रिएजेंट क्या रहता है, कलरलेस, तो इससे हमें मिलता है मैजेंटा कलर, फिर उसमें ऐड कर दिया पैरा रोज एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड तो ये कलर क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो गया। फिर उसके बाद उसमें हमने एल्डिहाइड ऐड कर दिया तो ये कलर वापस से रिस्टोर हो जाएगा, ये कलर क्या हो जाएगा, वापस से रिस्टोर हो जाएगा। तो ये तीनों रिएक्शन कौन कौन सी रिएक्शन, एक फेलिंग सॉल्यूशन की रिएक्शन, दूसरी टोलन्स रिएजेंट और तीसरी शिफ्ट रिएजेंट, ये सभी एल्डिहाइड की टेस्ट देंगे, कीटोन की टेस्ट नहीं देंगे, क्योंकि एल्डिहाइड जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, यानी खुद ऑक्सीडाइज होता है और दूसरों को रिड्यूस करता है, लेकिन कीटोन खुद ऑक्सीडाइज नहीं होता है इसलिए वो दूसरों को रिड्यूस नहीं कर सकता। सो
ये हो गया एल्डिहाइड और कीटोन का कुछ रिएक्शंस। ओके, तो और तीन रिएक्शन इसमें बाकी है जो इम्पोर्टेंट है, जो हेलोफॉर्म रिएक्शन है, अल्डोल कंडेंसेशन है और कैनिज़ारोज रिएक्शन है। ये तीन रिएक्शन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद, इस क्लास के बाद मैं आपको कुछ वर्क दूंगा, वो वर्क आपको असाइनमेंट दूंगा, वो असाइनमेंट आपको इसमें सॉल्व करके अपने असाइनमेंट सेक्शन में क्या करना है, सबमिट करना है। ओके, आई होप आज इस टॉपिक की क्लियरिटी अच्छी होंगी। ओके, ठीक है, चलो फिर, बाय।